यूपी के बरेली में 5 बच्चों समेत 6 लोगों की आग में जलकर मौत हो गई है। बताया ये जा रहा है कि मोमबत्ती गिरने से घर में आग लगी थी। पुलिस के आला अधिकारी अभी इस मौके पर मौजूद हैं। मामला किला छावनी इलाके का बताया जा रहा है। तो बरेली में ये घटना घटी है। यहाँ 6 बच्चों की आग में जलकर मौत हो गई है और ये घटना बताया जा रहा है मोमबत्ती गिर गई घर में और उस वजह से आग लगी। और ये वहीं की तस्वीरें हैं, पूरा घर जलकर खाक हो गया। आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। किला छावनी इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। 6 बच्चे इस आग में जलकर खाक हो गए। यूपी के बरेली की यह घटना है। बताया जा रहा है कि घर में मोमबत्ती गिरने से आग लगी। घर में कितने सदस्य मौजूद थे उस समय, क्या किसी को बचाया जा भी सका है, अभी इस पर जानकारी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाई है। लेकिन 6 बच्चे इस घर में जो मौजूद थे वो इस हादसे का शिकार हो गए। एक मोमबत्ती के गिरने से इतनी बड़ी घटना कैसे हुई, ये सब अभी साफ नहीं हो पाया है। शिव कुमार है हमारे साथ इस खबर पर। शिव कुमार, बेहद ही दुखद घटना है, लेकिन क्या किसी को इस पे बचाया भी जा सका है और एक मोमबत्ती से कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया? देखिए, बहुत ही दिल को दहला देने वाली ये घटना है जो कि बरेली के किला थाना क्षेत्र से ही बताया गया है कि जो परिवार के जो मुखिया थे यानी कि पति और पत्नी एक शादी में शिरकत करने के लिए पीलीभीत गए हुए थे। घर पर बच्चे और 17 साल की लड़की सहित उनका बेटा घर पर अकेला था। जो एक कल्लू नाम का बेटा था उसको सुबह नौकरी पर जाना था। सुबह 4 बजे के लगभग की घटना, जब वो नौकरी पर जाने के लिए उसने मोमबत्ती जलाई और कपड़े पहने, लेकिन मोमबत्ती जली रहेगी। उसके बाद उसी मोमबत्ती ने पूरे घर को आग की चपेट में ले लिया और सारा सामान के साथ साथ जो बच्चे थे वहां पर भी, 8, 7, 6, 5 तक की बताई जा रही है। 14 साल की लड़की, इसकी मौके की मौत हो गई। कुल मिला के जो 6 लोग घर के अंदर थे वो सभी लोगों की जिंदा जलकर मौत हुई। फिलहाल मौके पर पुलिस के जो है आला अधिकारी पहुंच गए हैं। शवों को दरबार तोड़कर कब्जे में ले लिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या आसपास के घर भी आग के चपेट में आ गए, वहां भी नुकसान हुआ है? सिर्फ ऐसा यही घर था जिसमें की आस पास काफी जो काफी गरीब परिवार था, जो उसका मालिक था राजा, वो रिक्शा चलाता, तो कपड़े काफी ज्यादा थे, सामान काफी ज्यादा था, उसी के बीच में भी बच्चे खड़े लेते हुए थे। फिलहाल जो आग लगी है ऐसी घर में लगी हुई है, पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि आग छता लगी है या लगाई गई है, तो सभी एंगल से पुलिस जांच कर रही है। जी शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ये घटना घटी है यूपी के बरेली में, जहां पर एक मोमबत्ती के गिरने से पूरे घर में आग लग गई और इस घर में बताया जा रहा है उस समय जो लोग थे वो मौजूद नहीं थे, जो बच्चे थे वो इसमें जल के हादसे का शिकार हो गए। 6 बच्चों की इसमें मौत हुई है। ये राजू नाम के व्यक्ति का मकान है, जो इसमें उनका छोटा बेटा संगम आज सुबह बर्फ ढोने के काम से जाता है। सुबह 4 बजे के आसपास वो निकले हैं तो मोमबत्ती लगा के गए थे और जाते समय कहा गया कि मोमबत्ती बुझा दीजिएगा। अब किन्हीं कारणों से मोमबत्ती बुझ नहीं पाई और उसके बाद ये आग लगी है। ऐसा प्रथम दृष्टया लगता है कि उसी से आग लगी है, जिसमें 6 बच्चे एक्सपायर कर गए हैं आग लगने से और दम घुटने से। उसमें इनका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और इस समय जो है ये मूल रूप से हादसे का प्रकरण निकल के आ रहा है और ये दर्दनाक हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें मोमबत्ती अगर बुझा देते तो घटना न होती।